तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से आ चुके हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं रॉयल इनफील्ड के लगभग सभी बाइकों के प्राइस लिस्ट की बात करने वाले हैं कि इसमें आपको कौन कौन से मॉडल मिलते हैं और साथ ही साथ इनकी क्या प्राइस डिफरेंट देखने को मिलती है। क्योंकि आपको बता दें कि सभी बाइकों को जो प्राइस है ना, पहले से 3000 रुपए फिर से बढ़ चुकी है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। तो आज हम आपको एक एक करके आपको बाइकों की प्राइस बताने वाले हैं कि रॉयल इनफील्ड में आपको कौन कौन से मॉडल मिलते हैं, कौन कौन से कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ उनकी क्या प्राइस डिफरेंट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी रॉयल इनफील्ड की बाइकों को लेने वाले हैं नवंबर 2022 से लेकर या फिर दिसंबर 2022 में, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो के लास्ट तक आपको रॉयल इनफील्ड लगभग सभी बाइकों के प्राइस लिस्ट की बात आपको पता चल जाएगी कि इसमें आपको क्या क्या प्राइस डिफरेंट देखने मिलते हैं और साथ ही साथ आपको क्या इसकी ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी रॉयल इनफील्ड की किसी भी मॉडल को लेने वाले या फिर किसी भी बाइक को लेने का प्लान करें, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक आपको इन बाइकों के बारे में आपको पता चल जाएगा कि इनमें आपको क्या प्राइस डिफरेंट देखने को मिल रही है, क्या इसकी लेटेस्ट प्राइस देखने को मिल जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजी और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे आप नए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे की वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हंटर 350 से, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में आपको तीन मॉडल मिलते हैं, जिसमें से पहला है रेट्रो फैक्टर मॉडल, जिसकी एक्सट्रीम प्राइस निकल के आ रही है वो हम आपको नहीं बताएंगे। हम आपको डायरेक्ट ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि आप लोग के टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, तो हम आपको डायरेक्ट इसकी ऑन रोड प्राइस बताते चलते हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल मिलता है वो आपको मिलता है इसका रेट्रो मॉडल। तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है, लेटेस्ट प्राइस वो निकल के आ रही है 189,000 से 182,000 के बीच में आपको हंटर 350 का रेट्रो मॉडल देखने को मिल जाता है। और इसका जो दूसरा मॉडल आता है, ये आता है इसका मेट्रो डेपर मॉडल। तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 1,94,000 टू 1,96,000 के बीच में आपको हंटर 350 का डेपर मॉडल देखने को मिल जाता है। और इसका जो सबसे टॉप मॉडल आता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसका है मेट्रो रेवल मॉडल, जिसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो लगभग आपको पड़ेगी 2,00,000 से 2,05,000 के बीच में आपको ये मॉडल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए हंटर 350 के ऑन रोड प्राइस की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं क्लासिक 350 के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हंटर 350 के बाद रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में आपको बहुत सारे अलग अलग मॉडल मिलते हैं, जिसमें से पहला है इसका रेडिच ग्रे कलर, यानी कि रेडिच वेरियंट। तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो लगभग आपको पड़ेगी 2,23,000 से 2,27,000 के बीच में आपको वो बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाती है। और इसका जो दूसरा मॉडल आता है वो आता है इसका हेलिकॉन सिंगल एडिशन, जिसकी मतलब जिसमें आपको सिंगल चैनल ईबीएस मिलेगा। तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 2,26,000 से 2,28,000 के बीच में आपको इसके हेलिकॉन का सिंगल चैनल ईबीएस मॉडल देखने को मिल जाता है। और इसका जो डुअल चैनल ईबीएस आता है, क्योंकि आपको बता दें कि हेलिकॉन में आपको डुअल और सिंगल दोनों का ऑप्शन मिलता है, तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 2,34,000 से 2,36,000 के बीच में आपको हेलिकॉन का डुअल चैनल ईबीएस मॉडल देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं क्लासिक सिग्नल एडिशन के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसमें आपको केवल डुअल चैनल ईबीएस का मॉडल मिलता है। तो दोस्तों, गौर करिएगा, इसके सिग्नल मॉडल में आपको सिंगल चैनल ईबीएस का मॉडल नहीं मिलता है, इसमें आपको केवल डुअल चैनल ईबीएस मिलती है। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो लगभग आपको पड़ेगी 2,46,000 से 2,48,000 के बीच में आपको क्लासिक 350 का सिग्नल एडिशन देखने को मिल जाता है। और इसका जो दूसरा मॉडल आता है वो आता है इसका क्रोम एडिशन, जो कि भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो क्रोम एडिशन आता है ना, क्लासिक 350 का सबसे महंगा मॉडल है। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो लगभग आपको पड़ेगी 2,59,000 से 2,62,000 के बीच में आपको ये इसका क्रोम एडिशन देखने को मिल जाता है, जो कि भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो हो इसके क्रोम एडिशन की बात। इसमें आपको एक और मॉडल मिलता है, जो कि इसका डार्क एडिशन मॉडल है, जो कि भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डार्क एडिशन में आपको दो मॉडल मिलता है, जिसमें पहला है डार्क स्टील ब्लैक कलर, दूसरा इसका है गन मेटल ग्रे कलर। तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो लगभग आपको पड़ेगी 2,54,000 से 2,56,000 के बीच में इसका डार्क एडिशन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसके क्लासिक 350 के ऑन रोड प्राइस की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं मिट्योर की तरफ बढ़ते हैं कि मिट्योर 350 में आपको कौन कौन से मॉडल मिलते हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल मिलता है, जो कि सबसे लोवेस्ट वेरियंट है, वो है इसका फायर बॉल एडिशन। तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 2,31,000 से 2,33,000 के बीच में आपको इसका मिट्योर 350 का फायर बॉल एडिशन देखने को मिल जाता है। और इसका जो दूसरा मॉडल आता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इसका स्टेलर एडिशन है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि स्टेलर एडिशन लगभग आपको पड़ेगा 2,38,000 से 2,40,000 के बीच में आपको इसका स्टेलर मॉडल देखने को मिल जाता है। और इसका जो सबसे टॉप मॉडल आता है, जो कि इसका सुपर नोवा एडिशन है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 2,49,000 से 2,52,000 के बीच में, यानी कि 2,52,000 के बीच में आपको सुपर नोवा एडिशन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तो हो गए मिट्योर 350 के ऑन रोड प्राइस की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्रीन पे आप देखेंगे तो ये इसका हेलिकॉन ग्रे कलर है, ये इसका हेलिकॉन ब्लैक कलर है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सिग्नल का आपको सैंड कलर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे रेडिच ग्रे कलर देखने को मिल जाती है। ये है मिट्योर 350 का स्टेलर मॉडल का ब्लैक कलर, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और ये इसका है मार्स ग्रे कलर। तो दोस्तों,
इसमें आप लोग गौर करेंगे तो इसमें आपको मार्स ग्रे कलर में ये बाइक देखने को मिलती है और ये इसका सिग्नल एडिशन है। और अगर हम बात करते हैं थोड़े से बुलेट के बारे में कि बुलेट 350 की आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है, तो दोस्तों आपको बता दें कि बुलेट 350 में भी आपको कई मॉडल मिलते हैं, जिसमें से पहला रहता है KS मॉडल, जिसकी ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 184,000 से 186,000 के बीच में आपको बुलेट 350 का KS मॉडल देखने को मिल जाता है। और इसका जो ES मॉडल है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरियंट मिलती है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट का मॉडल देखने को मिल जाता है, तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो लगभग आपको पड़ेगी 1,94,000 टू 1,96,000 के बीच में आपको बुलेट 350 का ES मॉडल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सेल्फ स्टार्ट वेरियंट देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े बाइकों के बारे में रॉयल एनफील्ड के, जो कि है कॉन्टिनेंटल GT 650, तो इसमें भी आपको तीन मॉडल मिलते हैं, जिसमें से पहला है स्टैंडर्ड मॉडल, जिसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 3,57,000 टू 3,59,000 के बीच में आपको इसका स्टैंडर्ड मॉडल देखने को मिल जाता है। और इसका जो कस्टम मॉडल आता है जिसमें आपको थोड़ा सा कस्टमाइज बाइक देखने को मिलती है, तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 3,66,000 टू 3,68,000 के बीच में आपको इसका कस्टम एडिशन देखने को मिल जाता है GT 650 का। और इसका जो क्रोम एडिशन आता है जिसमें आपको क्रोम की बाइक देखने को मिलती है, जिसे हम लोग मार्क 2 या फिर मार्क 3 बोलते हैं, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो लगभग आपको पड़ेगा 3,86,000 टू 3,89,000 के बीच में आपको इसका क्रोम एडिशन देखने को मिल जाता है GT 650 का। और अगर हम बात करते हैं रॉयल एनफील्ड के अगले बाइक के बारे में, जो कि इसका है हिमालयन मॉडल, तो दोस्तों आपको बता दें कि हिमालयन में भी आपको तीन मॉडल मिलता है, जिसमें से पहला है स्टैंडर्ड वेरिएंट, जिसकी ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 2,56,000 टू 2,57,000 के बीच में आपको इसका स्टैंडर्ड मॉडल देखने को मिल जाता है हिमालयन का। और इसका जो डुअल टोन मॉडल आता है जिसमें आपको दो कलर में बाइक देखने को मिलती है, तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो लगभग आपको पड़ेगी 2,60,000 से 2,65,000 के बीच में आपको इसका डुअल टोन मॉडल देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं थोड़े से इसके नॉर्मल मॉडल से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, वो है इसका पाइन ग्रीन कलर, तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी ना बाकी मॉडल से आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलती है, तो वो लगभग आपको पड़ेगा 2,65,000 टू 2,68,000 के बीच में आपको इसका पड़ जाता है पाइन ग्रीन कलर। तो दोस्तों ये तो इसके हेलिकॉन यानी कि हिमालयन मॉडल की प्राइस की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं 650cc की यानी कि इंटरसेप्टर के बारे में, तो इसमें भी आपको दो मॉडल मिलता है, जिसमें से पहला है स्टैंडर्ड मॉडल, उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 3,38,000 से 3,40,000 के बीच में आपको इसका स्टैंडर्ड मॉडल देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको एक मॉडल मिलता है जो कि इसका कस्टम एडिशन है, उसकी जो प्राइस पड़ेगी थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, वो आपको पड़ेगा लगभग मान के चलिए 3,48,000 से 3,49,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। और इसका जो अगला मॉडल आता है वो इसका है क्रोम एडिशन, तो दोस्तों इसका जो इंटरसेप्टर का जो क्रोम एडिशन आती है जिसे हम लोग मार्क 2 के नाम से जानते हैं, तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 3,67,000 टू 3,69,000 के बीच में आपको इसका क्रोम एडिशन देखने को मिल जाता है इंटरसेप्टर की। और अगर हम बात करते हैं स्क्रैम 411 के बारे में यानी कि 411 के बारे में, जिसे हिमालयन का छोटा भाई भी बोल सकते हैं, जिसकी हाइट जो है ना हिमालय से थोड़ी सी कम रखी गई है, तो उसमें भी आपको तीन मॉडल मिलता है, जिसमें से पहला है ग्रेफाइट ब्लू कलर, ग्रेफाइट रेड कलर, और ग्रेफाइट मॉडल जो आते हैं ना उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 2,43,000 से 2,45,000 के बीच में आपको इसके ग्रेफाइट मॉडल देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो ब्लेजिंग ब्लैक और स्काई लाइन ब्लू कलर पड़ती है उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 2,45,000 से 2,47,000 के बीच में आपको ब्लेजिंग ब्लैक और स्काई ब्लू कलर देखने को मिल जाती है। और इसका जो अगला मॉडल आता है वो आता है इसका व्हाइट फ्लेम एंड सिल्वर स्प्लिट कलर, तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलती है, तो वो लगभग आपको पड़ेगा 2,49,000 से 2,52,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है इसके टॉप मॉडल। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको प्राइस बताया ये मैंने आपको लगभग प्राइस बताया है, तो ये आपको जो प्राइस बता रहे हैं ये आपको एक लगभग प्राइस बता रहे हैं। अगर आप लोग इसका एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एजेंसी का डिटेल मिल जाएगा, वहां चाहेंगे तो डायरेक्ट एजेंसी भी कॉल करके इस बाइक का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जान सकते हैं। तो दोस्तों लगभग मैंने रॉयल एनफील्ड के लगभग सभी बाइकों को ऑन रोड प्राइस बता दिया है, जो लेटेस्ट प्राइस है ना इस समय नवंबर 2022 का वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इनके प्राइस को लेकर और भी ज्यादा कोई ज्यादा मतलब क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी बाइक के प्राइस की बात, ऑन रोड प्राइस की बात, वो हम आपको कमेंट में आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप लोग को एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जानना है तो वीडियो की स्टार्टिंग में एजेंसी का डिटेल मिल जाएगा, वहां से चाहेंगे तो डायरेक्ट एजेंसी कॉल करके इस बाइक का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जान सकते हैं रॉयल एनफील्ड के सभी बाइकों का। और अगर हम बात करते हैं अपनी बात, तो अगर आपको हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आपको स्क्रीन पर हमारे इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां से हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं किसी भी बाइक के बारे में किसी भी टॉपिक पे। तो दोस्तों ये थे रॉयल एनफील्ड के सभी बाइकों के ऑन रोड प्राइस जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि इसकी लेटेस्ट प्राइस है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे, तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई डाउट है, कोई सवाल करें, तो आप लोग जाहिर सी बात है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोग कमेंट का रिप्लाई करने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के हेलमेट यूज करते रहिए। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।